What exactly is puberty?

दिल को छू जाए और आपको थोड़ा फील कराए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो वीडियो को एंड तक देखना मेक यू गिव अप टू दिस वीडियो

ठीक है सो लेट आस स्टार्ट विद दिस तो प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड होता है एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर अडल्टुड दिस हैपन्स बोथ मेंटली साइकोलॉजिकली

स्ट्रेस जो हम लेने लगते हैं अपने टीनेज एज में है ना दैट इज योर स्किन प्रॉब्लम एंड एक्ने जो मुझे काफी ज्यादा हुई थी वन साइड टर्न्ड यू नो थर्टीन फोर्टीन राइट हम नो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस हम लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो जाता है एक तो यार हम लोग नाइन टेंथ में होते हैं हमें वैसे नहीं पता होता हमें जिंदगी में क्या करना है लोग पूछने लगते हैं कि ट्वेल्थ में क्या लोगे लोग में क्या लोगे हमें नहीं पता प्लस हमारे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं प्लस हम सेंसिटिव होते हैं टू एवरी सिंगल थिंग दैट इज टेलिंग अस इसके वजह से वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु वी आर है ना हमें बॉडी इश्यूज होने लगते हैं हमें शर्म आती है अच्छे कपड़े पहनने में कहीं पार्टी में जाने में मम्मी कहती है घूमने चलो तो हम बोलते हैं नहीं हमें नहीं जाना हमें घर पर ना है।, so is है ना सो दैट इज अनदर इशू दैट वी स्टार्ट फीलिंग है ना कॉग्निटिव चेंजेस क्या होता है सेल्फ आइडेंटिटी का क्राइसिस होने लगता है जैसे एथ स्टेज तक ना स्पून फीडिंग होती है आपको स्कूल जाना है आना है होमवर्क करना है खेलने जाना है आना है नाउ सडनली यू स्टार्ट

मैंने अपनी कोचिंग को बंक करके खुद ऑटो लेके मतलब uh, पंद्रह किलोमीटर मेरा स्कूल था वहाँ जाके वहाँ का जो फेट था जो फेस्ट था उसको अटेंड किया था बिना मम्मी पापा को बताए ऑब्वियसली उन्हें इस बारे में पता चल गया और लिटरली इलेवेंथ स्टैंडर्ड में मुझे मैं अपने पापा से चार्ट पट यू नो पढ़ा है राइट सो दैट इज आर काइंड ऑफ वी वी डू एट दैट एज क्योंकि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू नो ऑफ दर एक्शंस इसलिए बोला जाता है कि ये जो पीरियड होता है इसमें हमें, हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है है ना बहुत ईजी है टेम्पटेशन में गुम हो जाना किसी को टेक्स्ट मैसेजेस करना जो आप बाद में रिग्रेट करोगे अपनी फोटोज कहीं भेजना उस टाइम पे तो लगता है हम सही कर रहे हैं हम अडल्ट हैं हमें कौन रोक सकता है बट उसके कॉन्सिक्वेंसिस को हैंडल करने के लिए अभी हम अडल्ट नहीं हुए है ना अभी हम बड़े नहीं हुए तो बड़ा ध्यान रखना होता है हमें अपने आप का अपने केयर का इस टाइम पे ठीक है इमोशनल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी कैन इंपैक्ट अकेडमिक परफॉर्मेंसिस एट्थ स्टैंडर्ड तक यू फील यूर अ गुड स्टूडेंट नाइन में योर नाइन्थ एंड टेंथ में ट्वेल्थ में इतनी सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे होते हो दैट ऑफ कोर्स आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस इसे काफी ज्यादा यू नो इफेक्ट होता है ठीक है यू विल स्टार्ट फीलिंग कि कुछ बच्चे जो है डिप्रेस होने लगते हैं दे आर नॉट एबल टू टॉक टू एनी वन दे स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल यू नो सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली ठीक है सो दैट दीज आर मेजर चेंजेस दैट यू फील वंस यू बिकम अ टीन एजर ठीक है नो इन सब चीजों को हैंडल कैसे करना है वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन हैंडल दीज चेंजेस पहला अवेयरनेस नो वॉट इज है बॉडी ठीक है गूगल करो अब तो गूगल माता है आपके साथ पहले तो गूगल माता भी नहीं हुआ करती थी तो गूगल करो फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग टू यू अगर आप योर फीलिंग विदड्रॉन और डिप्रेस एंड इफ यू हैव समन टू टॉक टू चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे वो आपकी मामा मामी दीदी कजिन मम्मा पापा हो उनसे इस बारे में जरूर बात करो आ, याद रखो कि ये चीज सिर्फ आप ही नहीं बल्कि काफी सारे बच्चे इस देश के जो है और एवरी पर्सन हु गॉन थ्रू दैट एज हैज गॉन थ्रू इट आपके मम्मी पापा हैव हैल्सो गॉन थ्रू इट तो इट इज ओके टेक अ डीप ब्रेथ एंड फाइनली जो मैं बार बार कहूँगी याद रखना बार बार कि आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं है ना जो भी आप करो उसको बड़े ध्यान से सोच समझ के करो हो सकता है आपको लगे यार ये लड़का मुझे बहुत पसंद है इसको मैं इससे मैं बातें करती हूँ इसको मैं टेक्स्ट मैसेजेस करती हूँ अपना यू नो फोन नंबर भेजती हूँ तो ये सब चीज़ें करने से पहले सोचो कि एम आई रेडी फॉर सच अ रिलेशनशिप आई एम आई रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ सच एन एक्शन यू आर नॉट क्योंकि अभी आपको लगता है आप अडल्ट हुए हो बट एक्चुअली हुए नहीं हो चाहे आप कितनी भी मूवीज देख लो इस टाइप की है ना वैसे आपको लग सकता है कि यार आ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाहर जाने में क्योंकि आई फील कि मेरा बहुत आँखने हैं मैं सुंदर नहीं दिखती तो इट्स ओके यूर नॉट द ओनली पर्सन ट्रस्ट मी मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक जीन्स और स्वेटर में जो है शादियों में जाती थी क्योंकि मुझे बड़ी मुझे लगता था कि मैं कौन ही हूँ मैं क्यों ही पहनूँ लहंगा कौन ही मुझे देखेगा तो